दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों युवराज सिंह के फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, आईपीएल 2020 में इस टीम से खेलेंगे युवराज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर युवराज सिंह कौन सी टीम से आईपीएल 2020 में खेलते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और दोस्तों युवराज सिंह के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 1000 लाइक का, जो आप लोग पूरा कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, युवराज सिंह को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2020 के लिए सभी खिलाड़ियों की नीलामी कोलकाता में हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपने अपने खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को 15.50 करोड़ में खरीदा। पैट कमिंस इस साल के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन कमिंस ने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले की लिस्ट में नीचे रह गए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वह भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह का है। युवराज सिंह को 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने, जो इस समय दिल्ली कैपिटल्स के नाम से है, इस टीम ने 16 करोड़ की ऊंची बोली लगाकर खरीदा था। दोस्तों पैट कमिंस सबसे महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी रहे तो पीयूष चावला सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे। कमिंस को कोलकाता की टीम ने 15.50 करोड़ में खरीदा तो चावला को 6.75 करोड़ की बोली लगाकर चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम में शामिल किया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर अगर युवराज सिंह के आईपीएल खेलने की बात करें तो दोस्तों युवराज सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़े लंबे समय से यह बात साफ नहीं हो पा रही थी कि युवराज सिंह आईपीएल खेलेंगे या नहीं। दोस्तों युवराज सिंह के आईपीएल खेलने पर सीएसके के को ओनर बोले, युवराज हमने सैम बिलिंग को इसलिए छोड़ा कि हम आपको लेना चाहते हैं, आप दोनों खिलाड़ियों का सम्मान है। दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार युवराज सिंह आईपीएल 2020 में सीएसके की टीम से खेल सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि इस बार आईपीएल 2020 में युवराज सिंह को सीएसके की टीम की तरफ से खेलना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बनाए हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के नाम टी20 क्रिकेट में 2633 रन है। टी20 क्रिकेट में अब तक 4 बल्लेबाजों ने 100 से अधिक छक्के लगाए हैं। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं जो टी20 क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने के सबसे करीब हैं। नंबर पाँच पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन पिंच। पिंच को टी20 क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने के लिए 60 छक्कों की और जरूरत है। एरोन पिंच ने 58 टी20 मैचों की 58 पारियों में 182 चौके और 90 छक्के लगाए हैं। वहीं नंबर चार पर है इयोन मॉर्गन। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन को टी20 क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने के लिए 54 छक्कों की और जरूरत है। इयोन मॉर्गन ने 86 टी20 मैचों की 84 पारियों में 151 चौके और 96 छक्के लगाए हैं। वहीं दोस्तों नंबर तीन पर हैं कॉर्लिंग मुनरो। दोस्तों न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज कॉर्लिंग मुनरो को टी20 क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने के लिए 50 छक्कों की और जरूरत है। कॉर्लिंग मुनरो ने टी20 में 60 मैच खेले हैं, जिनकी 57 पारियों में 114 चौके और 100 छक्के लगाए हैं। वहीं नंबर दो पर हैं मार्टिन गुप्टिल। दोस्तों न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल को टी20 क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने के लिए 37 छक्कों की और जरूरत है। मार्टिन गुप्टिल ने 83 टी20 मैचों की 80 पारियों में 215 चौके और 113 छक्के लगाए हैं। वहीं दोस्तों नंबर वन पर जो है वो भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा ने 104 टी20 मैचों की 96 पारियों में 120 छक्के लगाए हैं। रोहित शर्मा को टी20 क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने के लिए मात्र 30 छक्कों की और जरूरत है। दोस्तों क्या रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर पाएंगे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।